कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी ब्लॉग्स। बोलो हेलो किया आपने? कुछ कर दो मम्मा को, किच कर दो, एक किच कर दो, ऐसे अच्छे से करो, किच्छी कर दो, अच्छा ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं किचन में कर रही थी काम, मैं आई यहाँ पे फोन लेने की ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, मैडम जी उठ गई और मेरा काम नहीं हुआ है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तू तू नहीं करोगी, तू 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 करती है ये। तो यहाँ पे आलू गोभी फ्राई हो चुके हैं और ये देखिए उनका दलिया भी बन चुका है, आलू भी उबल चुके हैं और ऑलमोस्ट मैंने दूध वूध उबाल के सब कुछ कर दिया है। ऐसे करती है ये। तो आपसे भी बताइए कैसे हैं आप सभी, आटा गूंथ के मैं तो आलू का पराठा बना गया अपना डे बहुत मस्त करने वाली हूँ। बेटा बैठो और आलू गोभी की सब्जी बना के मसालेदार और रोटी बना के झाजी का भी दिन अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि उनको आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, प्लेन नहीं अच्छी लगती। आलू अलग फ्राई करो, गोभी अलग फ्राई करो, फिर मसाला बनाओ, फिर दोनों डालो। तो मैंने ऐसे ही किया है। इसे देखो ना, इसे आना है ब्लॉग में, सुखो सुखो बच्चा है ना, सुखा सुखा है, सुखा सुखा। तो मम्मी चली गई हैं, कुकू को और मुझे दोनों को अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी रहती हैं यार तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे होता क्या है, बहुत सारी बातें हैं, जैसे मम्मी रहती हैं तो उठते ही इसको देख लेती हैं, तो मैं फ्रीली किचन में काम कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ और चाय पार्टनर है वो मेरी, और बहुत मज़े करते हैं हम, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। अब वो चली गई आज, मतलब इस बार तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, एक दिन रुकी और नेक्स्ट डे तो चली गई। मेरा बस चले तो मैं मम्मी को यहीं रख लूँ बहुत मज़ा आएगा उनके साथ। हमारे ना आइडियाज़ भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं जब हम इकट्ठे रहते हैं, तो बिकॉज वी आर बोथ फोर, डेट ऑफ बर्थ का जो डेट होता है ना फोर है हमारा, क्योंकि मम्मी का 13 अप्रैल है और मेरा 22 है। चार नंबर वाले जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनकी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कोई मैच नहीं कर सकता। बिजनेस आइडियाज़ इन्हें बहुत आते हैं, ये मैंने पढ़ा था और आई कैन कोरिलेट विद दैट। मेरे और मम्मी के जब आइडियाज़ निकलने शुरू होते हैं ना, नो वन कैन बीट अस। तो यही सारी चीज़ें हैं बाकी। तो क्या कर लो, सोचा था इसको नहीं दिखाऊंगी व्लॉग में, पर मेरे पास कू के अलावा कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट काम कुछ है ही नहीं, तो मैं तो पूरे दिन इसी के साथ बिजी रहती हूँ। तो कुहू को मैं केची नहीं दिखाऊंगी व्लॉग में, केची नहीं दिखाऊंगी, है ना चोनू? किच कर दो, सबको किच कर दो, कर दो किच कर दो। ये किससे करती है बस ठंडा ठंडा लग गया फोन, ठंडा था। आज क्या हुआ, 5:45 अराउंड और 6 हो रहे थे, मैंने टाइम देखा था इतना ही था। हाँ कुछ ठंडा गरम लगे तो ये ऐसे करते हैं। तो हुआ क्या, डायपर पहना के मैं सुलाती हूँ, पूरे दिन डायपर नहीं पहनाती कुहू को। आज 5:45 अराउंड नींद खुली मेरी इसको, बिकॉज इसको मतलब इधर उधर करती है तो इसको टच करते रहना आदत है, कि थोड़ा पास में करती रहती हूँ, अपने झाजी सोते हैं हाथ पहनना लग जाए उनका तो अपने पास करती रहती हूँ, तो देखा हिप्स पे जैसे हाथ ही गीला गीला, मैंने तो डायपर पहनाया था, इतना ज़्यादा सूसू कर दिया था कि डायपर ओवरफ्लो हो गया था और डायपर ने थोड़ा सा हाफ हिप्स पे खिसक गया था। इसको कैमरे में आना बहुत अच्छा लगता है। कर दो, डरा दो। अच्छा डराते कैसे हो आप, नानी को कैसे डराते थे, डरा दो, डांस कर दिया। नोशी कहाँ है आपकी, नोशी कहाँ है, नोशी कहाँ है, नोशी हाँ हाँ कहाँ है नोशी, दिखाओ। ये है गोकी नोशी, ये मैंने सिखाया था इसे।
नचो नचो नचो। अरे 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 लुढ़क गया, सीधे बैठो। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ हाफ हिप्स पे डायपर खिसक गया था, पूरा ऊपर का भी और नीचे का भी, पैंट गीला, बेडशीट गीली। तो ये देखिए नीचे एक चद्दर बिछाया मैंने उठ के, उसके बाद इसके कपड़े बदले, डायपर चेंज किया, फिर से सुलाया, खुला हो गया मन छोना। तो मैं तो 6 बजे से ही जगी हुई हूँ, है ना। और हमें सोते सोते अराउंड 2 बज गए थे। कल मम्मी को छोड़ के आए, मम्मी को छोड़ के आए, कल आए 11:30 बजे तो निकले ही थे हम शायद, हाँ 12 बजे तक पहुँचे यहाँ। 12 बजे के बाद अपना इसको सुलाना, इधर उधर करते कराते 1 बज गए थे। फिर फ़ोन वोन चेक करते करते 1:30, वही 2 तो ऐसे ही बच जाते हैं। चलो सबको टाटा कर दो, सबसे फेवरेट काम है इसका टाटा करना। फ़ोन ऑन नहीं हुआ कि टाटा करना शुरू, वहाँ नानी के यहाँ 10 बजे से टाटा। सब इतना मजाक बना रहे थे, कह रहे थे जहाजी तो, हाँ जहाजी तो थे ही कि जल्दी चलो साक्षी जल्दी चलो, ये उनसे भी महान है। सीधा टाटा ही करना शुरू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। आप सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ एंड तक, ठीक है। टाटा नहीं 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 टाटा नहीं है, लेकिन आप सबके लिए कंटिन्यू देखना है एंड तक ये व्लॉग। और यहाँ पे कू को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा उसे ना सर्दी जैसा लग रहा है, तो उसके लिए एक ऑयल प्रिपेयर किया जाए। तो सरसों तेल लिया मैंने, उसमें खूब सारा लहसुन काट के छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया, तेल गर्म हो गया। फिर उसमें अजवाइन डाल दूँगी मैं, ये मैंने लास्ट ईयर भी बनाना सीखा था, मम्मी ने बनाया था। तो मैंने सोचा आज ना अभी से ही बना लेती हूँ, क्योंकि मानसून चल रहा है और अभी ही होता है बीमार होने का सीज़न। तो जैसा ठंड लगी रही थी उसे कि लग चुकी है, छींक हो रही थी सुबह से ही, तो ज़्यादा ना बढ़े इस वजह से मैंने सोचा कि ऑयल बना ही लेती हूँ। तो अजवाइन डालने के बाद इसमें डाल लेंगे हींग, कोई भी कैसा भी, अगर पाउडर है तो पाउडर डाल लें, दरदरा वाला है तो दरदरा वाला डाल लें, और तीनों को ही अच्छे से बॉयल कर लेंगे। और एकदम कम गैस का फ्लेम होना चाहिए, जलाना नहीं है, इसको भुनने देना है ताकि सारा जो भी है ना तेल में चला जाए। और इसको छान लिया मैंने, तेल ठंडा हो चुका है। इससे कुँ की मालिश की और कपड़े वपड़े चेंज कर दिया। ये देखो ये खेल रही हैं मैडम, यहाँ पापा काम कर रहे हैं और ये दंत कांति टूथपेस्ट से इधर उधर खेल रही हैं, और पापा ने गाना चला दिया है तो ऊपर भी देखते रहना है। और पापा मिलने आए कुहू से, रात के 10 बज रहे थे, तो 10 बजे मिलने आए। झाजी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं और कुहू भी अचानक ही सरप्राइज़ मिला। एक्चुअली मैंने आप सभी को बताया था ना कि पापा वृंदावन गए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो पापा प्रसाद देने ही आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ तो हो ही रही हैं मम्मी के चैनल पर, मेरे चैनल पर, बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। हाँ जैसे पापा आते और आते भी थे, तो हम सब ना इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, पर सबको लगता था पापा नहीं आते पापा नहीं आते। तो मैंने सोचा हर चीज़ अब रिकॉर्ड कर ही लिया करूँगी। तो पापा ना डिनर कर चुके थे, 9:30 बज रहे थे, तो पापा ने कहा मैंने तो 8:30 ही डिनर कर लिया, पर चाय पी सकता हूँ मैं। क्या ठीक है, पापा हमारे स्टार्टिंग से ही हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, आप को जो पापा की हेल्थ दिख रही है ना एकदम फिट, वो इसीलिए पापा कभी बाहर का कभी कुछ नहीं खाया उन्होंने, और 8 बजे से पहले ही पापा डिनर कर लेते हैं, जो कि हमें भी सीखना चाहिए, अच्छी बात है। कभी बाहर का कुछ नहीं खाते और पापा इसीलिए इस एज में भी एकदम फिट लगते हैं, और 40s की ही एज में लगते हैं अगर बाल कलर करा लें। तो खूब बहुत खेल रही थी अपने मामा के साथ और नानू के साथ, खूब खेला कुहू ने। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आज चलने लगी है। यस, मैं वो भी क्लिप आप सभी के साथ शेयर करूँगी। 16 सितंबर को बिना किसी सपोर्ट के एकदम टीवी के पास जो टेबल है यहाँ से अपने पापा के पास आराम से जाएगी। अभी बैठ गई क्योंकि वॉकर के पास या कुछ उसको दिख गया होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से चला। वैसे फर्स्ट वॉक नहीं कहेंगे कुहू की, क्योंकि 3-4 कदम तो पहले भी चल चुकी है, लेकिन अब ये प्रॉपरली चलने लगी है बहुत अच्छे से। अभी मैं इससे पूछूंगी कि टमाटर दिखाओ, गाय दिखाओ, गैया दिखाओ, तो इसने सारा रिप्लाई किया, मुझे टमाटर बताया। कुहू गोल गोल ये लाल टमाटर कहाँ है, दिखा दो तो टमाटर कहाँ है।
टमाटर कहाँ है? टमाटर कहाँ है? टमाटर है। तो ऐसे ही कुहू के साथ बहुत ही मज़े किए चकोर ने भी और साथ ही साथ पापा ने भी। पापा को इसने सब कुछ बताया, सब कुछ करके दिखाया, जय श्री राम, राधे राधे, चिया कहाँ है, हाथी राजा कहाँ है, बहुत कुछ समझने लगी है कुहू, सारी बातें समझती है, सब कुछ। आप कुछ भी कहोगे ना तो उसका रिप्लाई भी देगी और सब कुछ समझती है। 13 मंथ्स की हो गई है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसकी वीडियोस देख रही थी मैं पुरानी, तो मतलब पुरानी वीडियोस में ऐसा लगता था कि जब पलटी भी नहीं थी और अब देखो तो चलने लगी है, कितना ही प्यारा लगता है इसको देख के। और साथ ही साथ पापा भी बहुत ही ज़्यादा है इसके लिए, तो एकदम इनाना है तो प्यार तो रहता ही है। और चकोर का भी मामा मामा तो ये रट्टा लगाए रहती है पूरे दिन, और पापा पापा भी, माँ नहीं बोलती बस। चाय के साथ मैंने राइस पापड़ छान लिए थे, नमकीन बिस्किट पापा ने मना किया था, और डिनर में बनाया था मैंने दाल तड़का विद आलू की भुजिया, बहुत ही स्पाइसी सी, और राइस पापड़, पापड़ एंड रोटी, और यही था डिनर। कुहू देखो आ रही है, जैसे ही पता चल जाएगा इसको, जय बजरंग बली। जय कर तो, जय कर तो, गदा जय ऐसे भी, हाँ गदा उठा के जय, ऊपर हाथ ऊपर करके गदा उठा के, हाँ ना बेटा उठा के झुके नहीं। ये लो ये लो ये लो, जय कर तो जय, हाँ कुछ भी हंसने लगती है। राधे 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 बरसाने वाली राधे, कर दो राधे राधे कर दो, हाँ राधे राधे सब करती है, सारे इंस्ट्रक्शन समझती है ये सब। हाँ जय हो, पीछे लुढ़क नहीं जाना। हाँ इससे फिर मार भी देती है। जय कर लो, जय बजरंग बली। और यहाँ पापा और चकोर दोनों चले गए थे, घरवर समेटा, कुहू को सुलाया, और उसके बाद मैं आई किचन में तो दूध नहीं था, दूध ख़त्म हो चुका था, तो जेप्टो से मैंने मंगाया दूध रात के 1:30 बजे के करीब, क्योंकि दूध पी के सोने की आदत है और दूध नहीं हो तो फिर नींद ही नहीं आती। और भी साथ में मैंने दही और मिष्टी दही भी अपने लिए मंगा लिया, वो कल खाऊंगी और चीले भी बनाऊंगी दही है। तो आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करके जाएँ हमारा चैनल। बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें।